ए फ्रेंड्स, हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं। हम जो भी चीज़ें खाते हैं या पीते हैं उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। इसीलिए हमारी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए हम अलग अलग हेल्थी टिप्स खोजने के लिए या तो गूगल करते हैं या कई बार अपने दोस्त या रिलेटिव के द्वारा फोकट की ही सलाह लेते रहते हैं। मगर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमने बहुत सुनी हुई होती है, हमें लगता है कि ये हमारे बहुत काम आने वाली है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें झूठ होती हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे ही मिथ के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए उन फैक्ट के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले मिथ से, हर रोज 8 गिलास पानी पिए। आपने अक्सर यह सुना होगा कि आपको हाइड्रेट रहने के लिए दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पानी से बनी हुई भरपूर चीजें खा रहे हैं जैसे कुकुम्बर, सूप, फल, अगर ये सब चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में 8 गिलास ही पानी पिए। बस आपको अंदर से हाइड्रेट होना जरूरी है, फिर चाहे वह पानी पी करके पूरी हो या कुछ ऐसी चीजें खा करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, एक आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि आप रोज 1 या 2 एग खाते हैं तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि योग यानी अंडे का पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ध्यान रखें कि आप ज्यादा एग न खाएं। अगर आप ज्यादा एग खाएंगे तो इससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 ही एग खाएं। नेक्स्ट मिथ है कि ठंडे एनवायरनमेंट में रहने से सर्दी हो सकती है। ये एक सुनी सुनाई बात है, जरूर आपने भी बचपन में सुना होगा कि आपकी दादी नानी कहती होंगी कि ज्यादा ठंडी जगहों पे मत रहो वरना सर्दी या जुखाम हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक यदि आप बाहर घूमते हो तो इससे आपके शरीर की हेल्थ बढ़ती है और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और आप स्वस्थ भी रहते हो। तो असल में आप बाहर रहने से नहीं बल्कि अधिक देर तक घर में रहने से बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, वजन कम करने के लिए ब्रेकफास्ट खाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह का नाश्ता करने से आपको दिन में भूख कम लगती है और आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको सुबह भूख नहीं लगी है फिर भी जबरदस्ती आप ब्रेकफास्ट ले। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप अपना ब्रेकफास्ट छोड़ भी सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि आप दिन में ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, आप उतना ही खाएंगे जितनी आपको जरूरत है। नेक्स्ट मिथ है, चावल खाने से मोटापा पड़ता है। चावल को वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसलिए लोग जब भी वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने डाइट में से चावल को स्किप करते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है, ये पॉपुलर मिथ के ठीक उल्टा। चावल खाने से वजन कम होने में मदद मिलती है। दूसरे किसी भी होल ग्रेन की तरह चावल में भी फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो वेट लॉस की प्रक्रिया को तेज करते हैं। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक चावल खाने से वजन कितना कम होता है यह हमारी मेटाबॉलिक पे डिपेंड करता है। कई स्टडी में यह पाया गया है कि चावल का यूज करने से वजन नहीं बढ़ता है, बशर्ते आप कोशिश करें कि इसका यूज आप लिमिट मात्रा में करें। इस बात को साबित करने के लिए उन देशों का भी एग्जांपल लिया गया जहां पे लोग चावल ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिथ पड़ी हुई हैं जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी कही सुनी बातों पे ध्यान दें तो उसके पीछे की वजह जानने की पूरी कोशिश जरूर करें। तो मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।